फोर्थ सेमेस्टर में बीएसएन फार्माकोलॉजी एनेस्थेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये लेक्चर पार्ट टू है। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। यानी अब तक जो हमने बात पढ़ी थी वो जनरल एनेस्थीजिया के हवाले से था कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीजिया क्या होती हैं। अब हम इंडिविजुअल एनेस्थेटिक ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें, एनेस्थेटिक्स अगर आप देख लें तो दो तरह की हैं, आपके पास जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो दो तरीके से जनरल एनेस्थीजिया पेशेंट्स को दिया जाता है। पहला तरीका है इनहेलेशनल और दूसरा तरीका है आईवी इंजेक्शंस के जरिए। यानी किसी को पूरी बॉडी में एनेस्थीजिया देना हो, चाहे इनहेलेशनल रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू दो या इंजेक्टेबल दो। अब जो इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स आते हैं और इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स आते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में देखा जाए तो आपके पास ड्रग्स हैं डेसफ्लुरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये वो ड्रग्स हैं जो इनहेलेशनल है, यानी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं लेकिन इनहेलेशनल। अगर आप देखें तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एक पेशेंट को डायरेक्टली इनहेल करवाई जाती हैं ये वाली ड्रग्स। इसमें देखा जाए तो नॉर्मली लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जब इन एनेस्थीजिया को इंड्यूस करना हो, स्टार्ट करवाना हो, तो आप शुरुआत लेते हैं आईवी एजेंट से। पहले इंजेक्टेबल लगाई जाती है, इसको कहते हैं इंडक्शन, और मेंटेनेंस के लिए फिर आप इनहेलेशनल एनेस्थीजिया लगाते हैं। यानी मेंटेन रखने के लिए इंडक्शन आपने आईवी से स्टार्ट करवाई है। अब ये जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीजिया है, आपको पता है एनेस्थीजिया के पे डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीजिया है कि वो किस लेवल तक एनेस्थीजिया जाएगा, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर कि आपने एनेस्थेटिक ड्रग की कंसंट्रेशन क्या रखी है। यहाँ पे एक बात याद रखें, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं इनका बहुत ही नैरो थेरापूटिक इंडेक्स है। अब मैं इस बात को ज़रा समझिए कि नैरो थेरापूटिक इंडेक्स का मतलब क्या है। एक आपके पास स्टेज होगी जहाँ पे कोई इफेक्ट ड्रग का नहीं है, यानी ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ ड्रग का इफेक्ट नहीं आया, दैट इज नो इफेक्ट। एक थो जरा सी कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे तो डायरेक्टली एस वो स्टेज आ जाएगी जहाँ पे सर्जिकल एनेस्थीजिया है, यानी स्टेज 3 एनेस्थीजिया। और थोड़ा सा डोज को मजीद बढ़ा दें तो इवन टॉक्सिक लेवल तक एनेस्थीजिया आ जाएगा, यानी जहाँ पे कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाती है। तो एक ये स्टेज है। मकसद क्या है कि इस स्टेज में जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, एनेस्थीजिया की स्टेज और डिप्रेशन की स्टेज, तीनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है डोज में। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एनेस्थेटिक की ड्रग की जो डोज है उसमें छोटी सी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। जरा सी गलती हो गई, डोज कम हो गई तो एनेस्थीजिया आएगा ही नहीं, और जरा सी गलती से डोज थोड़ी सी बढ़ गई तो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई एंटेगोनिस्ट भी नहीं है। किसी और ड्रग की डोज बढ़ जाए तो एंटेगोनिस्ट दे दोगे, एंटीडोट आ जाएगा। इनहेल्ड एनेस्थीजिया का एंटीडोट नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो याद रखें, इनहेलेशनल एनेस्थीजिया का जो थेरापूटिक इंडेक्स है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत छोटा इंडेक्स है। अच्छा, इसके बाद आती है पोटेंसी। पोटेंसी का क्या मतलब कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है ड्रग की जो इफेक्ट लाए, यानी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, कम से कम अमाउंट जो आपके पास लंग्स में एल्वियोलाई में हो जो इफेक्ट लेके आए। अब कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस जो होती है, तकरीबन जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में एनेस्थीजिया ले आए, वी कॉल दैट डोज एज MAC। यानी फर्ज कीजिए, इस बात को मैं समझाता हूँ कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग। अब आपने आराम आराम से ड्रग देनी शुरू की और तकरीबन जिस कंसंट्रेशन पे 50 लोगों में एनेस्थीजिया आ गया, जिस कंसंट्रेशन के ऊपर, आप उसको नाम देंगे कि ये आपके पास MAC है, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन है जो एनेस्थीजिया कॉज करता है। ठीक है, अब ये जो MAC होता है ये आपके पास होते परसेंटेज की फॉर्म में, कि परसेंटेज इसकी कितनी है। और ज्यादातर जितनी MAC कम होगी
उतनी ज्यादा वो ड्रग पोटेंट होगी। क्या मतलब? कम अमाउंट में एनेस्थीसिया लाने वाली ज्यादा पोटेंट है, जितनी अमाउंट बढ़ा दोगे उतनी पोटेंसी कम होती है। अब अगर आप देख लें, अब ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, लेकिन ये कंप्लीट एनेस्थीसिया खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स कि नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी बाकियों से कम है, इसकी ज्यादा डोज चाहिए कि आप इसका एनेस्थीसिया इंड्यूस कर सकें। तो ये मेन मकसद है इस लाइट का। फिर देखें एक और फैक्टर, ये जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, इनकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी देखी जाती है कि ब्लड में कितने सॉल्युबल है। जाहिर सी बात है, जो ड्रग ब्लड में जितनी ज्यादा देर तक सॉल्युबल रहेगी उतनी ज्यादा देर से एनेस्थीसिया आएगा, और रिकवरी टाइम भी उतना ही लेट होगा। मतलब कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन तक बंदा एनेस्थिटाइज रह सकता है। तो जहां पे आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया चाहिए, वहां पे आप फिर वो ड्रग यूज करेंगे जिसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? ये सिंपल सी ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर है आइसोफ्लोरेन, फिर उससे कम देख लें सीवोफ्लोरेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, और सबसे कम डेसफ्लोरेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक बंदे को एनेस्थेटाइज रखता है। डेसफ्लोरेन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है तो सबसे कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा डेसफ्लोरेन का। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कि आपके पास होते हैं कार्डियक आउटपुट। देखें, जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा हार्ट से, उतना ज्यादा ब्लड फ्लो बाहर आएगा। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो आएगा उतना ज्यादा वो अपनी जो आपकी ड्रग है उसको साइट से रिमूव कर देगा, और जब वो ड्रग को साइट से रिमूव कर देगा तो एनेस्थीजिया भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स जितना हायर कार्डिक आउटपुट होगा उतना ही जल्दी एनेस्थीजिया रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट कि हाई कार्डिक आउटपुट क्या करता है, एनेस्थीजिया को खत्म करता है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम बात करें कि इनहेलेशनल है, आप किसी को इनहेल करवा रहे हो ड्रग और वो एनेस्थिटाइज हो रहा है, तो कोई मैकेनिज्म होगा, बैकग्राउंड में कोई मैकेनिज्म चलता है। सबसे पहला चीज, पहली बात तो इसका कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है। फार्माकोलॉजी में आप पढ़ती हो कि हर ड्रग का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए गाबा रिसेप्टर्स हैं। अब गाबा रिसेप्टर्स क्या करते हैं? गाबा वो रिसेप्टर्स हैं जो सिडेटिव होते हैं, हिप्नोसिस करवाते हैं, आपको नींद दिलाते हैं। इसके अंदर होते हैं क्लोराइड चैनल, वो क्लोराइड नेगेटिव है। क्लोराइड चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, क्लोराइड अंदर जाएगी, सेल्स इनहिबिट होंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। लोकल सॉरी, जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, तो ज्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होंगे, ज्यादा जल्दी आपको जो है सिडेट होंगे आप, ज्यादा जल्दी नींद आ जाएगी। दूसरी बात, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। एक तो गाबा के लिए सेंसिटाइज करवा दिया, दूसरा काम एक्साइटेशन भी कम करवा दी कि न्यूरॉन्स एक्साइट ना हो तो फिर आपको ज्यादा जल्दी जाग नहीं आती, पहला पहली बात। दूसरी बात, ग्लाइसिन, आप जानते हो ग्लाइसिन ये नेगेटिव इंपैक्ट रखता है, ग्लाइसिन भी इनहिबिशन लेके आता है। तो ये जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स है ना, ये ग्लाइसिन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जब ग्लाइसिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसमें इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा और आपको ज्यादा जल्दी जाग नहीं आती। इसके बाद जो आपके पास एक्साइटेटरी निकोटिनिक करंट्स हैं, एक्साइटेशन जो है उसको ब्लॉक कर देता है। एक्साइटेशन ब्लॉक होगी तो आप सोए रहेंगे, यानी एनेस्थीजिया में रहेंगे। और इसके अलावा मैकेनिज्म बाय विच एनेस्थेटिक्स परफॉर्म दिस मॉड्यूलेटरी रोल्स इज नॉट अंडरस्टूड, यानी मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म अब तक अंडरस्टूड नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप इसमें डायग्राम देखें तो एक फर्स्ट डायग्राम इज नो एनेस्थीजिया, सेकंड डायग्राम में क्या होते हैं हाई एनेस्थीजिया, यानी आपने ड्रग दी हुई है।
ये गाबा रिसेप्टर है, और ये देखिए क्लोराइड आइन। तो जब गाबा अटैच होता है ना, चैनल ओपन होता है, क्लोराइड सेल के अंदर जाती है, क्लोराइड अंदर आ जाएगी तो सेल इनहिबिट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब एनेस्थेटिक ड्रग आ गई है, एनेस्थेटिक ड्रग की वजह से क्लोराइड जो चैनल्स हैं वो ज्यादा सेंसिटाइज हो गए, ज्यादा क्लोराइड अंदर जाएगी तो सेल्स इनहिबिट रहेंगे। नेक्स्ट ड्रग है हेलोथेन। अब हेलोथेन देख लें, सबसे पोटेंट एनेस्थेटिक है, यानी बड़ी कम डोज चाहिए एनेस्थीजिया लाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एनेस्थीजिया और एनल्जीजिया में फर्क समझें। एनेस्थीजिया सिर्फ आपको सुलाना है, एनल्जीजिया दैट इज कि पेन आपको फील ना हो। तो पेन के रिसेप्टर्स अलग हैं, पेन की न्यूरॉन्स अलग हैं, एनेस्थीजिया की न्यूरॉन्स अलग हैं। लिहाजा हेलोथेन पोटेंट एनेस्थेटिक है, लेकिन एनल्जेसिक नहीं है, वो वीक एनल्जेसिक है, ये बात याद रखें, पहली बात। दूसरी बात, अक्सर हेलोथेन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी साथ में दी जा सकती है, ओपियोइड्स साथ में दिए जा सकते हैं, या लोकल एनेस्थेटिक साथ में दिए जा सकते हैं, ताकि एनेस्थीजिया को मेंटेन किया जा सके, बीच में बंदा जाग ना जाए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि हेलोथेन के जो आपके पास है डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स भी आते थे, तो ऑलरेडी इसको रिप्लेस किया जा चुका है बाय अ मोर सेफ ड्रग। एडवर्स इफेक्ट्स क्या थे, अब ये जरा सुनिए। सबसे पहले तो ये वेगोमाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं। वेगोमाइमेटिक का मतलब क्या है, वेगोमाइमेटिक का मतलब वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, वेगस नर्व हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। तो अगर ये ड्रग वेगस की तरह काम कर रही है, तो आप यूज कर रहे थे एनेस्थीजिया के लिए और ये जाके पेशेंट का हार्ट रेट कम कर देगा, मींस ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा, वो हमको चाहिए नहीं, तो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एरिथमिया हार्ट रिदम को डिस्टर्ब करता है, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। और सबसे जरूरी बात, और आपके लिए एमसीक्यू के हवाले से बड़ी जरूरी चीज है ये, इसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स, उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उसकी वजह से आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द हेलोथेन। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, इवन डेथ कॉज हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन अगर खुदा ना खास्ता हो भी गई, तो इसके लिए फिर आपके पास ट्रीटमेंट है डेंट्रोलीन। डेंट्रोलीन एक ड्रग है, एंड दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नोट कीजिए, बड़ा जरूरी एमसीक्यू है कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में डेंट्रोलीन ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? बिकॉज डेंट्रोलीन आपके मसल्स में जाके हीट जनरेशन को बंद करवा देता है, ये बात याद रखें आप। द ड्रग इज कॉल्ड डेंट्रोलीन। नेक्स्ट ड्रग आ गई आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन की भी बहुत ही लिटिल मेटाबॉलिज्म होती है, टॉक्सिसिटी कोई नहीं है, और सबसे खास बात एरिथमिया कॉज नहीं करता। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत हाइपोटेंशन कॉज करता है, क्योंकि पेरिफेरल वेसोडायलेशन करेगा। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड डेसफ्लुरेन। वेरी रैपिड ऑनसेट करता है, यानी बहुत जल्दी इसका ऑनसेट आता है, और रिकवरी भी जल्दी होती है क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी है। आपको याद हो पिछली स्लाइड में हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी, हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम करती है। डेसफ्लुरेन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम थी, तो बहुत कम ड्यूरेशन तक वो एनेस्थीजिया लेके आता है। इसके साथ साथ वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, इनहेल करवाओगे वो वोलेटाइल उड़ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए बहुत कम ड्यूरेशन तक वो एनेस्थीजिया में रहता है। ज्यादातर जो आउट पेशेंट सर्जरी है ना, यानी माइनर सर्जरी हो गई, पेशेंट एडमिट नहीं होगा, बस घर जाके रेस्ट करेगा, इस तरह की जो सर्जरीज है ना, इसमें फिर आपको ज्यादा लंबे अरसे तक एनेस्थीजिया चाहिए नहीं, तो डेसफ्लुरेन यहाँ पे यूज हो सकती है, ज्यादा सुटेबल है। एक बात याद रखें कि ये एयरवे वगैरह को इरिटेट करती है, तो कभी कभी लैरिंगोस्पाज्म, यानी लैरिंग्स बंद हो जाती है, खांसी आ सकती है,
सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, तो इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिग्रेडेशन मिनिमल है, कोई टॉक्सिसिटी इसके चांसेस नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा देर तक ड्रग रहती भी नहीं है तो टॉक्सिसिटी नहीं होती। लेकिन याद रखिए, इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। और एमसीक्यू के हवाले से आउट पेशेंट सर्जरी, डेस्फ्लुरेन कुड बी यूज फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, जहां पे पेशेंट घर जाके आराम करता है, एडमिट नहीं होता। देन वी हैव सीवोफ्लुरेन, ये डेस्फ्लुरेन के ऑपोजिट है, लो पंजेंसी कॉज, यानी कि ये पंजेंसी नहीं का पंजेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी वे को इरिटेट नहीं करता। दैट्स वाई जो पीडियट्रिक्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा सुटेबल सीवोफ्लुरेन है। तो ये भी याद रखिए, ये भी आपके लिए एमसीक्यू हो सकता है कि सीवोफ्लुरेन बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इरिटेशन कॉज नहीं करता। और रिप्लेसिंग हेलोथेन आल्सो, तो हेलोथेन को रिप्लेस कर चुकी है सीवोफ्लुरेन। इसके अलावा मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, अच्छा हेलोथेन को रिप्लेस क्यों करवाना था याद करें, हेलोथेन की वजह से मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है, हेलोथेन की वजह से आपके पास बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, तो सीवोफ्लुरेन ने ऑलरेडी हेलोथेन को तकरीबन रिप्लेस कर दिया है। सो लिवर मेटाबोलाइज करता है इसको, और कंपाउंड्स जो एनेस्थीसिया के दौरान बनते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, तो थोड़ी कम डोज इस्तेमाल की जा सकती है। अब आती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये भी एक नॉन इरिटेटिंग पोटेंट एनल्जेसिक है बट वीक एनेस्थेटिक है। अब जरा समझे, हेलोथेन पोटेंट एनेस्थेटिक थी, वीक एनल्जेसिक थी, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड उल्टी है, एनल्जीजिया नाइट्रिक ऑक्साइड में बहुत है, बिल्कुल थोड़ी सी डोज यूज करेंगे पेशेंट का दर्द वगैरह सब खत्म। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड एक पोटेंट एनेस्थेटिक नहीं है, यानी अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड को अकेले यूज करोगे ना तो पेशेंट को कोई एनेस्थीजिया नहीं होगा। इवन 80% तक भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज कर लो लेकिन साथ में कुछ और यूज ना करो तो पेशेंट को एनेस्थीजिया नहीं होता। दैट मीन्स कि साथ में आपने कुछ और भी यूज करना होगा। आप यूज कर सकते हो क्या इसके साथ ऑक्सीजन, अक्सर औकात नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, क्यों, बिकॉज ये ज्यादा सेफ है और ज्यादा इफेक्टिव है। और इस तरह की जो डेंटिस्ट्री में एनेस्थीजिया दिया जाता है डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए, तो वहां पे आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा कॉमन है। मैकेनिज्म क्या है, तो गाबा रिसेप्टर, जैसे हमने बात की कि क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं, तो गाबा रिसेप्टर के थ्रू भी काम कर सकता है। और NMDA, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं, इनके थ्रू भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, लिवर में टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज नहीं करता, बिकॉज दोनों को साथ में यूज करेंगे तो ड्रग्स आर सेफ, मार्जिन सेफ्टी ऑफ मार्जिन इसका ज्यादा है, ज्यादा नुकसानदेह ड्रग्स नहीं है। यहां तक जो हमने ड्रग्स पढ़ी, दीज वर कॉल्ड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स दो तरह की थी, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। तो इनहेलेशनल में हमने पढ़ी हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रावीनस, वही जनरल एनेस्थीसिया लेकिन आईवी। इंट्रावीनस यानी आप डायरेक्टली पेशेंट को इंजेक्ट करते हो, इन सिचुएशन जहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, आउट पेशेंट सर्जरी है, लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं चाहिए। इसके साथ साथ इनहेलेशनल के लिए कोई एडजंक्ट, यानी आपने पहले इंडक्शन के लिए यूज करते हो और मेंटेनेंस के लिए फिर आप इनहेलेशनल यूज करते हो, तो मतलब ये एडजंक्ट के तौर पे यूज होते हैं किसी दूसरी मेडिसिन को हेल्प करने के लिए। अच्छा, पहले इंट्रावीनस देंगे, बाद में फिर आप अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, आप मेंटेनेंस के लिए इनहेलेशनल दे देते हैं। लोअर डोज में देंगे तो ज्यादा अच्छी सिडेशन प्रोवाइड करते हैं। आईवी एनेस्थेटिक सबसे पहले करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं ना, ब्लड स्ट्रीम में जाके इनकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी जो प्रोटीन से बाउंड होगी और एक स्पेसिफिक परसेंटेज ब्लड में फ्री रहेगी। तो आपने इंजेक्ट की ड्रग ब्लड में, कुछ परसेंटेज बाउंड हो गई प्रोटीन से और कुछ फ्री है, तो जब ये फ्री है तो ये फ्री चली जाएगी ब्रेन में,
और जैसे ही ये ब्रेन में जाती है एनेस्थीजिया इंड्यूस हो जाता है, तो फौरी तौर पर एनेस्थीजिया हो जाता है पेशेंट को। सो यानी इंडक्शन का फेज है, और बाद में जब रिकवरी फेज होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि जिस जगह पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां से वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लड आएगा ड्रग को उठा के कहीं और फेंक देगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो रिकवरी भी ज्यादा जल्दी हो जाती है। ड्रग्स कौन कौन सी है, लाइक प्रोपोफोल, फॉस्प्रोपोफोल, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ओपियोइड्स और किटामीन, ये सारे ड्रग्स आईवी हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली प्रोपोफोल स्पेसिफिक ओपी जो आपके पास एनेस्थेटिक है, बाकी बारबिट्यूरेट्स जैसे थायोपेंटल, बेंजोडाइजेपिन्स लाइक मिडाजोलाम, लोरेजिपाम, ये लोग वैसे भी ले रहे होते हैं, एनेस्थीजिया नहीं है। ये जो बाकी ड्रग्स है ना इसमें सिर्फ सीडेशन है, यानी आपको नींद दिलाता है, दीज आर नॉट डायरेक्टली एनेस्थेटिक्स, के पास एनेस्थेटिक्स हैं, ये सेडेटिव्स हैं। अच्छा प्रोपोफोल की अगर हम बात करें तो आईवी सेडेटिव और हिप्नोटिक, यूज्ड इन द इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीजिया। प्रोपोफोल क्या करता है, एनेस्थीजिया इंड्यूस करता है, सेडेटिव है यानी नींद दिलाता है। साथ साथ आपके पास ड्रग है थायोपेंटल जो कि बारबिट्यूरेट है, बट थायोपेंटल को रिप्लेस कर दिया प्रोपोफोल ने, प्रोपोफोल ज्यादा बेटर है, क्योंकि पेशेंट को जब आप ये लगाते हो ना तो नॉजिया वॉमिटिंग के चांसेस नहीं होते, थायोपेंटल की वजह से पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग होते हैं, प्रोपोफोल की वजह से नहीं होते, दैट्स वाई थायोपेंटल से ज्यादा बेटर ड्रग है प्रोपोफोल। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन, अच्छा सॉरी 30 to 40 seconds के अंदर एनेस्थीजिया इंड्यूस हो जाता है, और सप्लीमेंटेशन है नार्कोटिक्स के लिए, नहीं मॉर्फिन वगैरह लगा दी एज अ सप्लीमेंट, प्रोपोफोल भी आती है उसके साथ काम करती है, और प्रोपोफोल क्या करती है मायोकार्डियम को डिप्रेस किए बगैर ब्लड प्रेशर कम करती है, यानी ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा मायोकार्डियम को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, साथ में वेजोडायलेशन कॉज कर रहा है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम हो जाता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फॉस्प्रोपोफोल क्या करती है, अप्रूव्ड ओनली फॉर सिडेशन, सिर्फ नींद दिलाता है, और ये प्रोपोफोल की प्रो ड्रग है, यानी फॉस्प्रोपोफोल देंगे बॉडी में जाके प्रोपोफोल में कन्वर्ट हो जाएगी। देन वी हैव द बारबिट्यूरेट, जैसे अभी मैंने जिक्र किया थायोपेंटल का, अब थायोपेंटल क्या है, ये एक बारबिट्यूरेट है, मैंने पहले ही कहा कि ये सिग्निफिकेंटली एनाल्जेसिक नहीं है, ना ही ये सिग्निफिकेंट एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है, ये सिडेटिव्स हैं, ये आपको नींद दिलाते हैं, सो एज अ सप्लीमेंट्री आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक सप्लीमेंट्री है, एनेस्थीजिया के दौरान आप ये यूज कर ली तो पेशेंट में जो है ज्यादा एडवर्स चेंजेस नहीं आती, ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन रहते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन मेंटेन रहता है, यानी कि पेशेंट को आपने सिर्फ एक सिडेटिव हालत में रखना है, खुद से ये एनेस्थेटिक का काम नहीं कर रहे। इसके साथ साथ बारबिट्यूरेट्स के कुछ नुकसान हैं, इट कैन कॉज एपनिया, यानी नींद के दौरान आपकी सांस वगैरह में डिस्टर्बेंस आ सकती है, कफिंग हो सकती है, चेस्ट वॉल स्पाज़म हो सकता है, लैरिंगोस्पाज़म लैरिंग स्पाज़म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज़म लंग्स के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पाज़म हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बारबिट्यूरेट्स के साथ। नाउ थायोपेंटल क्या है, पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक, तो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करें लेकिन एनाल्जेसिक नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये सिडेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, यानी बहुत कम टाइम के लिए काम करती है, बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और इसके माइनर इफेक्ट्स पड़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, बट इट कैन कंट्रीब्यूट टू सिवियर हाइपोटेंशन, जिन लोगों को में हाइपोवोलेमिया है, ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है, ऐसे लोगों में हाइपोटेंशन कॉज करती है, बाकी नॉर्मल लोगों में ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं है ऑन द ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद आती है बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, यानी नींद दिलाते हैं, और दे कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन यानी दूसरी ड्रग के साथ मिला के, जैसे मिडाजोलाम है इसको एनेस्थेटिक्स के साथ मिला के आप यूज कर सकते हैं, डाइजीपाम लोरेजीपैम ये वगैरह, दीज आर बेंजोडाइजेपिन्स, ये डायरेक्टली गाबा रिसेप्टर्स पे जाती हैं,
गाबा रिसेप्टर क्या है? क्लोराइड आयन चैनल है, क्लोराइड नेगेटिव है। क्लोराइड आयन चैनल ओपन करेंगे, सेल के अंदर क्लोराइड जाएगी और सेल्स इनहिबिट हो जाते हैं, तो पेशेंट को नींद आती है। सो ये सिडेटिव्स हैं, सो दैट्स व्हाई फैसिलिटेट करते हैं एमनीजिया को, यानी सिडेशन कॉज करते हैं। उस वक्त आप सब कुछ भूल जाते हो और साथ में इनहिबिटरी इफेक्ट्स को इन्हांस करते हैं, जो क्लोराइड आयन की वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट है। मिनिमल कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसेंट है, यानी कार्डियोवास्कुलर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, जो आप तो जा रहे थे एनेस्थीजिया, लेकिन साथ में रेस्पिरेटरी भी डिप्रेस करता है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये इसकी अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ एंटीरोग्रेड एमनीजिया कॉज करता है पेशेंट्स में, तो यानी कि एमनीजिया है, वो न्यू बातें याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को अगर आपने दी है पेशेंट को, वो बाद में उसको याद नहीं रहती है, तो जब एनेस्थीजिया से रिकवर हो जाए तो वापस पेशेंट को इन्फॉर्मेशन रिपीट करनी पड़ती है अबाउट हिज मेडिकेशंस और अबाउट हिज प्रोसीजर्स। अच्छा, ओपियोइड्स देख लें। नाउ दीज आर एनल्जेसिक्स, ये क्या है? एनल्जेसिक्स है। अब तक जो आपने मेडिसिन पढ़ी वो एनल्जेसिक नहीं थी, वो एनेस्थेटिक थी या एनेस्थीजिया में हेल्प कर रही थी। अब जो आप मेडिसिन देख रहे हो वो एनल्जेसिक है, स्पेसिफिकली क्या करती है? पेन को खत्म करने के लिए। दीज आर यूज पेरी ऑपरेटिवली, पेरी ऑपरेटिव का मतलब कि जब ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उस टाइम दौरान आप ये ड्रग्स देते हो, ठीक है। इसमें आती है फेंटनिल और रेमीफेंटनिल, ये क्या करती है? एनल्जीजिया इंड्यूस करती है, यानी कि पेन वगैरह को खत्म करती है, और इवन मॉर्फिन से भी ज्यादा बेटर है। इंट्रावीनस भी दे सकते हो, एपिड्यूरल या इंट्राथिकल दे सकते हैं। एमनेसिक्स नहीं है, यानी पेशेंट को कुछ भूलता भूलता कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि आपने बेंजोडाइजेपिन में देखा है, लेकिन हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज हो सकती है, मसल्स में रिजिडिटी आ जाना या नॉजिया वॉमिटिंग का होना, ये प्रॉब्लम आ सकती है, और इसका फिर एंटीडोट मौजूद है। नेलेक्सोन जो होता है, नेलेक्सोन वो एज एंटीडोट भी काम करता है, बट यू कैन ऑलवेज मेंटेन द डोज, ताकि अपने एडवर्स इफेक्ट को कम करना है तो डोज मेंटेन आप कर सकते हो। इसके बाद जो ड्रग आती है दैट इज कॉल्ड कीटामीन। कीटामीन एक ऐसी एनेस्थेटिक है जो शॉर्ट प्रोसीजर में यूज होती है, एनेस्थेटिक शॉर्ट प्रोसीजर में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है, ठीक है। ये क्या करता है? ये ऐसी स्टेट पेशेंट में इंड्यूस करते हैं जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, बट वो लगता है कि वो अवेक है, लेकिन पेन वगैरह उसको फील नहीं होता, एक ऐसी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है। वहाँ पे बंदा सिडेट रहता है, एमनीजिया में रहता है और इमोबाइल, यानी पेशेंट मूव नहीं करता ना बाद में उसको कुछ याद रहता है। ड्रग काम कैसे करती है? NMDA विच आर ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, तो ग्लूटामेट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है कीटामीन। एक और बात याद रखें, सिंपथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाती है, यानी आपकी जो सिंपथेटिक ड्राइव है वो इंक्रीज करती है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो अगर तो पेशेंट हाइपोवोलीमिक है या पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है, यानी कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका नहीं आ रहा, हार्ट रेट कम हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम कम है, कीटामीन देंगे तो वो क्या करती है? सिंपथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाती है, तो सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिव करेगी, तो ज़्यादा फायदेमंद है ऐसे लोगों में जहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक होता है। हाँ, याद रखें हाइपरटेंसिव पेशेंट में यूज़ नहीं करते या स्ट्रोक के पेशेंट्स में यूज़ नहीं करते। साथ ही ये पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन भी कॉज कर सकती है, क्योंकि सेंट्रली जा रही है ब्रेन में NMDA रिसेप्टर्स पे, तो हेलुसिनेशन वगैरह कॉज हो सकती है विटामिन के साथ। इसके बाद आपके पास ड्रग्स आती है पैरालिटिक्स, और वी मे कॉल देम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये आप इसलिए देते हैं ताकि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। देखें, कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, मसल्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मसल रिलैक्स रहे और आप उसकी सर्जरी परफॉर्म कर सकें। तो मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए आप क्या करते हो? वहाँ पे जो एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उनको आप ब्लॉक कर देते हो। जब स्केलेटल मसल में निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो मसल मूव भी नहीं करेगा,
मसल मूव नहीं करेगा, लिहाजा मसल्स रिलैक्स रहेंगे। तो ड्रग्स हैं पैनक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, सक्सिनाइलकोलीन, वैक्यूरोनियम। ये वो ड्रग्स हैं जो स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं ताकि आप आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सकें। दैट वॉज ऑल अबाउट द जनरल एनेस्थेटिक्स और जो उसके साथ में ड्रग्स यूज होती हैं। अब हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की, यानी ये वो ड्रग्स हैं जो ज्यादातर टॉपिकल लगाई जाती हैं या इंजेक्शन लगाई जाती हैं उस एरिया के ऊपर जहां कोई पेन फील हो रहा हो या जहां पे सर्जरी परफॉर्म होनी है। ये दो तरह की होती हैं, अमाइड्स भी हैं और एस्टर्स भी हैं। ये करते क्या है, सीडेशन, आपके पास सेंसेशंस खत्म हो जाती है, बंदा सीडेट हो जाता है। हायर कंसेंट्रेशन में यूज करेंगे तो जहां पे जिस एरिया में आपने यूज की है वहां पे मोटर एक्टिविटी बंद हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। याद रखें आप टॉपिकली ऊपर स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और इंजेक्शन के जरिए भी दे सकते हो उस स्पेसिफिक जगह पे जहां आपने एनेस्थीजिया कॉज करना है। अब ये काम कैसे करती है, देखो स्पेसिफिक, लेट सपोज एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आपने एनेस्थीजिया कॉज करना है, वहां पे आएगी न्यूरॉन, न्यूरॉन पे ऊपर होते सोडियम आयन चैनल्स। अगर आप इन सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर दोगे तो न्यूरॉन के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो जो स्पेसिफिक एरिया है वो जगह बिल्कुल एनेस्थिटाइज हो जाती है। दैट मींस जो आपके पास लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सोडियम आयन चैनल्स ब्लॉकर्स हैं, सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं। सो बड़ा जरूरी पॉइंट है ये। ड्रग्स कौन कौन सी हैं, दैट आर कॉल्ड लाइडोकेन, ब्यूपिवाकेन, प्रोकेन, रोपिवाकेन, टेट्राकेन, मेपिवाकेन, ये सारी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स वगैरह में यूज नहीं होती क्योंकि नियोनेट्स बच्चों में ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। अच्छा, जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, एक तो वो एनेस्थीजिया कॉज करते हैं, साथ में वेजोडायलेशन भी करते हैं, यानी एक तो सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं। लेकिन ब्लड वेसल डायलेट होने का एक नुकसान याद रखें, फर्ज कीजिए आपके पास टिश्यू है, टिश्यू में आपने एनेस्थीजिया दिया हुआ, ये आपकी ड्रग है, साथ में ब्लड वेसल भी डायलेट हो गई है, तो जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ब्लड फ्लो के बढ़ने से ड्रग को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो एनेस्थीजिया कम हो सकता है। लिहाजा लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ आप कभी कभी वेजो कंस्ट्रिक्टर भी देते हैं, एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। एपिनेफ्रीन लगाएंगे, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ब्लड फ्लो कम रहेगा और जो आपकी ड्रग है एनेस्थेटिक वो ज्यादा अरसे तक वहां पे ठहरी रहेगी, तो एनेस्थीजिया थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ आप एपिनेफ्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ड्रग क्या करेंगी, फायदा क्या है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम से कम रहेगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ड्रग इसमें बेंजोकेन, बेंजोकेन मेजर ड्रग है। इसके अलावा लाइडोकेन और टेट्राकेन, ये भी टॉपिकली इस्तेमाल हो सकती है। कहीं पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, कहीं माइनर सी बर्न जलन हो गई है, इरिटेशन या इचिंग हो रही है, आप वहां पे टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एरिया को ये बिल्कुल सुन कर देते हैं, नंब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट लोगों को हो सकते हैं, जहां पे आपने लगाई उस जगह पे स्किन इरिटेशन हो सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। लास्टली कंपैरिजन पढ़ना है जनरल और लोकल एनेस्थीजिया का, कि दोनों का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। तो जनरल एनेस्थीजिया क्या है, जो पूरी बॉडी में एनेस्थीजिया ला रहा है, अनकॉन्शियसनेस पैदा कर रहा है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप एनेस्थीजिया दे रहे हो तो आप एक से ज्यादा एजेंट्स भी देते हो, देते कैसे हैं, इनहेलेशनल के थ्रू और आईवी के थ्रू। याद रखें आईवी
इंडक्शन के लिए यूज होता है, इनहेलेशनल मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। ये कुछ बातें याद होनी चाहिए। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या है? एक तो सारी सेंसेशंस बंद हो गई, आपको कुछ फील नहीं होता। स्लीप एंड एमनीजिया, नींद आती है, बातें आपको भूल जाती हैं। मसल्स आपके मूवमेंट छोड़ देते हैं, इमोबाइल रहते हैं, और वो जो आपके रिफ्लेक्सेस आते थे वो एबॉलिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो जनरल एनेस्थीजिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बंदा बेहोश रहेगा, बंदे को कोई दर्द महसूस नहीं होगा, और मसल्स उसके रिलैक्स रहेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्राइएड। जनरल एनेस्थीजिया की तीन प्रॉपर्टी है, अनकॉन्शियस रहना, दर्द का न महसूस करना, और मसल्स का रिलैक्स रहना। एडवांटेज क्या है? एक तो इंट्रा ऑपरेटिव, ऑपरेशन के दौरान पेशेंट रिकॉल या अवेयर नहीं रहता, मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स्ड रहते हैं लंबे अरसे तक, और एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सब पे आपका कंट्रोल रहता है। इसके साथ साथ अगर तो कोई पेशेंट लोकल एनेस्थेटिक से सेंसिटिव है, लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं कर पाता, तो वो जनरल एनेस्थेटिक यूज कर सकता है। साथ में आप एडमिनिस्टर करते हो रैपिडली और रिवर्सिबल है, ठीक है, यानी रिवर्सिबल है, तो ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होता है? एक तो जब आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो ना, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, केयर करनी पड़ती है, अनट्रेंड नर्स नहीं लगाता, या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए होता है, या एनेस्थेटिस्ट जो होता है, और प्री ऑपरेटिव पेशेंट को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस पेशेंट को बतानी पड़ती हैं, और एक बड़ी बात, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी कॉज हो सकता है। तो आपको याद रहे, खुद से याद कीजिए, एक ड्रग का नाम हमने लिया था, दैट वाज कॉल्ड डेंट्रोलीन। इस बात को याद रखें, डेंट्रोलीन यूज हुई थी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, उसको खत्म करने के लिए, और दैट वाज कॉज्ड ऑफ द हेलोथेन। अब आपके पास कुछ नर्सिंग रोल है कि ऐसा नर्स आप एनेस्थीसिया में आपका क्या रोल है। सबसे पहले तो असेसमेंट है, आप असेस करें पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री कि वो एनेस्थीसिया के लिए आया, पहले कोई ड्रग तो नहीं लेके आया, कोई प्रेस्क्रिप्शन, नॉन प्रेस्क्रिप्शन या कोई भी ड्रग तो नहीं ली उसने, एलर्जी तो कोई उसको नहीं है कि बाद में मसला ना हो, कोई स्मोकिंग या ओबेसिटी फैक्टर हो, एल्कोहलिज्म हो, या कोई भी उसको बीमारी हो जो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर या रीनल से रिलेटेड है, वाइटल साइंस प्रॉपर हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने असेस करनी है बिफोर एनेस्थीजिया। इसके बाद जब आप एनेस्थीजिया करो, इंटरवेंशंस करो, खुद से कोई इंटरवीन करो, तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पेशेंट को एक्सप्लेन करें। साथ में जो आपके पास एम्बुलेशन है, यानी जल्दी से आपने कोई इमरजेंसी में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग है, कफिंग है, लेग्स की एक्सरसाइज, फ्लूइड बैलेंस, यूरिन आउटपुट, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। ये अक्सर पोस्ट ऑपरेटिव यानी सर्जरी के बाद आपने ये कंपोनेंट्स चेक करनी है, वाइटल साइंस चेक करने होते हैं, और पेन मेडिकेशन लाजमी देनी होती है क्योंकि सर्जरी हुई होती है। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया को देखें, दैट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, थोड़ी देर के लिए सेंसेशन खत्म हो जाती है, बट रिवर्सिबल है, यानी बाद में सेंसेशंस आ जाती हैं। आप ये लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकली भी यूज कर सकते हो या इंजेक्शन भी दे सकते हैं, दोनों काम आपके लिए पॉसिबल है। देते कैसे, मेथड क्या है? एक तो सरफेस यानी स्किन के ऊपर, या इनफिल्ट्रेशन सबक्यूटेनियस, स्किन के थोड़ा क्यूटेनियस लेयर के नीचे, या फिर नर्व ब्लॉक डायरेक्टली उस जगह पे दे जहां आपने न्यूरॉन को ब्लॉक करना है, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को बंद करने के लिए वहीं पे आप ड्रग इंजेक्ट करोगे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, यानी जो आप एपिड्यूरल है, ड्यूरा मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है, ड्यूरा मैटर, वहां पे अगर आपने एनेस्थीसिया देना है, तो अक्सर जो आपके पास है सेक्रल हाइएटस, यानी बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी स्ट्रक्चर होता है सेक्रम, वहां पे फिर आप ये ड्रग इंजेक्ट करते हो, या सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा एडवांटेजेस क्या है लोकल एनेस्थीजिया के? सबसे पहले तो पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं रहता। पेशेंट कॉन्शियस रहेगा ना तो एयर वे भी उसका मेंटेन रहेगा, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट एस्पायरेट नहीं करता, उल्टियां वगैरह पेशेंट को नहीं आती क्योंकि जनरल एनेस्थीजिया है ही नहीं। रिकवरी भी बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई इश्यू कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आती। लिहाजा ज़्यादा स्किल वाले नर्स इसके लिए नहीं चाहिए, एक नॉर्मल जो आपके पास कोई एवरेज नर्स है कहीं पे काम कर रहे हैं, न्यू है फ्रेश है, वो भी मेंटेन कर सकता है पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव एनल्जीजिया है, यानी दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आता कि छोटी माइनर सर्जरी है, बहुत मेजर सर्जरी है नहीं तो पेशेंट स्ट्रेस में भी नहीं आता, ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और हॉस्पिटल का बिल भी उस पर नहीं आता, कम एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज क्या है? टॉपिकली यूज कर रहे हो या इंजेक्ट कर रहे हो और पेशेंट एलर्जी क्या है तो फिर एलर्जी हो सकती है, बट रेयर केसेस, ज्यादा नहीं। ब्रूजेज आते हैं, जाहिर सी बात है स्किन को इंजेक्ट कर रहे हो तो ब्रूजेज आ सकते हैं, और इवन टिंगलिंग सेंसेशन, इस तरह बर्निंग वगैरह, टिंगलिंग सी जैसे सुइयां चुभती हैं, ऐसी थोड़ी बहुत सेंसेशन आ सकती हैं। नर्सिंग रोल क्या होंगे? सबसे पहले तो ये चेक करें, पेशेंट को असेस करें, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, ड्रग एलर्जी हो तो एनेस्थीजिया नहीं देते, हिपेटिक या रीनल इम्पेयरमेंट हो एनेस्थीजिया नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ कुछ इंश्योर करना पड़ता है, स्किन की इंटेग्रिटी के, स्किन कहीं पे ब्रेक नहीं है, ब्लड में कहीं ड्रग तो नहीं जा रही। इसके साथ साथ अगर स्पाइनल एनेस्थीजिया दिया जा रहा है, एपिड्यूरल एनेस्थीजिया दिया जा रहा है तो वेल हाइड्रेटेड हो पेशेंट, ठीक है, और कम से कम वो 12 आवर्स तक जो है एनेस्थीजिया में रहता है, और उसके बाद 12 घंटे तक जब वो निकलता है तो हेडेक वगैरह से वो बचा रहे। साथ में स्किन केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि स्किन ब्रेक डाउन ना हो, स्किन कहीं से ब्रेक ना हो। इसके साथ साथ सेफ्टी मेजर्स हैं, यानी लाइटिंग कंप्लीट हो और साइड रेल्स, जो बेड के साइड रेल्स हैं वो आपने जो है ऑलरेडी मेंटेन किया हो ताकि पेशेंट गिर ना जाए और कोई इंजरी भी ना आए पेशेंट को। दैट इज ऑल। अगर मजीद आपने पढ़ना है तो लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी बेस्ट किताब है फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए। एनेस्थेटिक्स का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल।